लोग ऐसे एंजॉय करने के लिए आए थे। वी रेगुलरली कम आज के खाने के आसपास हम लोगों ने देखा कि एक बोर्ड है और इसमें सेल्फी है, तो हम लोगों ने अपनी सेल्फी खींची। सेल्फी खींचने के बाद यहाँ पर काउंटर पर उन्होंने बोला कि जस्ट आप अपना नाम और मोबाइल नंबर दे दीजिए, यू माइट बी द लकी विनर। हम लोगों ने 1% भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, बट जस्ट उनके कहने पर हमने अपना नाम और मोबाइल नंबर छोड़ा। जो वैलेंटाइन डे के दिन आए थे पता ही नहीं था कि ये सब भी होता है, ये सब फेक है, नॉर्मल है, जाके देख लेते हैं क्या है क्या नहीं, ये रियल है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली सर मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी एंड देन कॉन्सिडेंटली मैम के यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था, तो देन मेरे को लगा कि कुछ स्पेशल होगा। उन्होंने बताया कि आप एक पर्ची लिख लो, उसमें आपका लकी नंबर आएगा जिससे आपको प्राइज प्रोवाइड किया जाएगा। तो आई एम सो एक्साइटेड कि माय गॉड मेरा निकल गया, बिकॉज बहुत सारे गई थे। प्रेम के भाव को विभिन्न प्रकार से प्रकट करने को हमारे देश में अनेकों दिवस मनाते हैं। उदाहरण के लिए रक्षाबंधन, भाई बहन एक दूसरे के प्रति प्रेम को प्रकट करते हैं। माँ के ममता को सम्मान देने के लिए मातृ दिवस, पिता को सम्मान देने के लिए पितृ दिवस, और भी अनेकों दिवस अपने प्रेम भाव को प्रकट करने के लिए हम मनाते हैं। प्रेमी जोड़ा एक दूसरे के प्रति प्रेम को दर्शाने के लिए वैलेंटाइन डे मनाते हैं। इस वैलेंटाइन डे पर बोकारो मॉल में स्थित फूड कोर्ट ईट एंड ट्रीट द्वारा वैलेंटाइन डे पर एक अनोखी प्रतियोगिता रखी गई। वहाँ पर उस दिन आए लोग अपने सुनहरे पल को बिताने के साथ साथ वहां स्थित सेल्फी पॉइंट पर अपने मोबाइल के कैमरे से अपना चित्र निकाल सकते थे। साथ ही अपना नाम और मोबाइल नंबर वहां रखे पेटी में डाल प्रतियोगिता के प्रतिभागी बन सकते थे। अधिक से अधिक संख्या में लोगों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। उसमें से कुछ प्रतिभागी भाग्यशाली रहे और वो बने लकी विनर। उन विजेताओं को बोकारो मॉल प्रबंधन द्वारा आमंत्रित कर पुरस्कृत किया गया। आइए उनके इस उत्साह और मॉल द्वारा आयोजित इस आयोजन के साक्षी बनते हैं। चलिए बात करते हैं प्रतिभागियों से। हम लोग वैलेंटाइन डे के दिन यहाँ पर आए थे और यहाँ पर हम लोग ऐसे एंजॉय करने के लिए आए थे। वी रेगुलरली कम आज के खाने के आसपास हम लोगों ने देखा कि एक बोर्ड है और इसमें सेल्फी है, तो हम लोगों ने अपनी सेल्फी खींची। सेल्फी खींचने के बाद यहाँ पर काउंटर पर उन्होंने बोला कि जस्ट आप अपना नाम और मोबाइल नंबर दे दीजिए, यू माइट बी द लकी विनर। हम लोगों ने 1% भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, बट जस्ट उनके कहने पर हमने अपना नाम और मोबाइल नंबर छोड़ा। बहुत अच्छा इवेंट था और इस तरह के इवेंट और होने चाहिए बोकारो के लिए और सब लोगों के लिए, बहुत मोटिवेटिंग है। एंड थैंक यू बोकारो। बोकारो मॉल के बारे में क्या कहेंगे? अभी हम लोग बल्कि चढ़ते समय यही बात कर रहे थे, यही एक जगह है जहाँ हैपनिंग है, वी कैन स्पेंड आवर टाइम, और शाम को आने से एक अलग माहौल मिलता है। बोकारो को डेफिनेटली जरूरत है इस तरह के और मॉल्स की और इस तरह के डेवलपमेंट की। यहाँ का फूड कोर्ट कैसा है? फूड कोर्ट बहुत अच्छा है और हम लोग यहाँ हर बार एंजॉय करते हैं। वैल्यू फॉर मनी है, मतलब आप जो पैसा खर्च करते हैं यू गेट द वैल्यू फॉर दैट, और चीप एंड बेस्ट है, हर तरीके की रेंज है अवेलेबल, हर कोई आके एंजॉय कर सकता है। और हम लोग देखते भी हैं कि क्रॉस सेक्शन में सारे लोग आते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक, हर तरह का गेट ऑल द थिंग्स एट वन, सो इट्स वेरी गुड। My husband Tarun Srivastava, Mr. Tarun Srivastava. And she's my better half, Srinayan Srivastava. Thank you. Thank you, Bokaro. He's working in Steel Authority of India Limited, say, okay. CRM department, easy. I'm working as an agent in the CRM department of Bokaro State Plant. And we live in Sector 1. We have been belonging to Bokaro for past several years. So okay. We enjoy living here. कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हम लोग वैलेंटाइन डे के दिन आए थे, मतलब पता ही नहीं था कि ये सब भी होता है, ये सब फेक है, क्योंकि पहले भी ऐसे कॉल वॉल आया था, तो हमको लगा ऐसे कुछ नॉर्मल है, जाके देख लेते हैं क्या है क्या नहीं, बट ये रियल है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ये रियल है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फेक भी होते हैं, बहुत अच्छा लगा ये रियल। पर ये यहाँ पे अक्सर ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, आपको क्या लगता है ऐसा और होना चाहिए या? जरूर होना चाहिए, सबको ऐसा चांस मिलना चाहिए, जैसे आज हम लोग को मिला, सबको मिलना चाहिए। कैसे आपको यहाँ पे आने के बाद कैसा लगता है? यहाँ आती हैं आप अक्सर या? नहीं, नॉर्मल हम लोग वैलेंटाइन डे के दिन फर्स्ट टाइम अपने फैमिली के साथ आए थे, जैसे नॉर्मल नहीं आते। अब आप क्या बोलेगी, आना अच्छा लगता है यहाँ तो आते रहेंगे, इस तरह की चीज़ें यहाँ होती रहती हैं। तो जस्ट ये कैसे हुआ, आपने बस अपना फोटो क्लिक करके डाल दिया था? और उन्होंने ये फोटो क्लिक करके नहीं हुआ था, मतलब एक्चुअली कोइंसिडेंस था कि हम लोग वैलेंटाइन डे के दिन यहाँ पे आए थे, मतलब ऐसे फोटो फोटो क्लिक करवाते करवाते दीदी ने मेरे को बोला कि नाम लिख के नंबर डाल दीजिए, तो अचानक से मेरे को फोन आया कि कल क्या ऐसे ऐसे बात है दीदी, आपको फिर क्लिक करना चाहिए। सब चीज़ ऑर्गेनाइज्ड वे में बेस्ट है। क्या नाम हुआ आपका? आपका आपका नाम क्या है? आप लोग दोनों यहाँ, मतलब ये कैसा संयोग हुआ कि यहाँ आप लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हो पाए? वैलेंटाइन डे
सेलिब्रेट कर लेते हो, देखे मैम यहाँ पे कुछ कर रही है प्रोग्राम, तो उसे पार्टिसिपेट कर लिया। तो मतलब कैसा लगा ये जब आपको फ़ोन आया कि आपको प्राइज़ मिलने वाला है? बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो गए, हाँ मतलब ऐसे लकी विनर कैसे हो गए हैं इतने लकी कैसे हो गए सारे। हाँ बहुत लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, पर उसमें से आप दोनों सिलेक्ट हुए हैं, कुछ लोगों में आप लोग भी सिलेक्टेड हैं। तो मतलब कैसा लगता है ये ऐसी चीज़ें यहाँ पे जो होती हैं, ये होते रहना चाहिए या क्या क्या कहें? होते रहना चाहिए ना, इस तरह की लाइव चीज़ें होती रहनी चाहिए जिससे कि आनंद आता रहे। तो यहाँ आप लोग कितने रेगुलर आते हैं? अच्छा, यहाँ का फूड कोर्ट कैसा लगता है आपको? यहाँ का खाना आपको पसंद है? यहाँ का टेस्ट कैसा है? यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ क्या है? पिज़्ज़ा। आपको क्या पसंद है? डोसा? कॉफ़ी। गुड। तो मतलब आप क्या कहेंगे लोगों के लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों के लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि आप फूड कोर्ट में आए और आएंगे, यहाँ का खाना उन्हें टेस्ट करें, फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, पार्टी के साथ भी आ सकते हैं, यहाँ पे मतलब फैमिली मूवमेंट सब जाकर स्पेंड कर सकते हैं। कैसे आपको ये पता चला? और एक्चुअली सर मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी एंड देन कॉन्सिडेंटली मैम के यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था ट्रीट एंड इसका ईट एंड ट्रीट का, तो देन मेरे को लगा कि कुछ स्पेशल होगा, तो देन मैं आई मैम के पास, उन्होंने बताया कि आप एक पर्ची लिख लो, उसमें आपका लकी नंबर आएगा जिससे आपको प्राइस प्रोवाइड किया जाएगा। देन फिर मैम का कॉल आया, तो आई एम सो एक्साइटेड कि वो माई गॉड मेरा निकल गया, बिकॉज बहुत सारे गई थे उस दिन, तो आया, तो देन आज मैं यहाँ पे हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और बहुत अच्छा भी लग रहा है कि इसमें से बस कुछ लोगों को निकलता है, जिसमें से मैं भी बहुत हैप्पी हूँ, मेरा भी निकला, देन बस बस अच्छा लग रहा है, वर्ड्स नहीं है हैप्पीनेस, तो आप जान रहे हैं जब किसी का निकलता है तो कितनी हैप्पीनेस होती है, देन सब सेम चीज़ वही है मेरे साथ अभी। कैसा लगता है यहाँ पे इस तरह का इवेंट्स होता है, तो आप क्या चाहते हैं कि वैसा होता रहे? बहुत अच्छा लगता है और आई थिंक मैं कहूँगी कि होना भी चाहिए यहाँ पे हर टाइम। यहाँ आप कितने रेगुलर आते हैं? हाँ मैं रेगुलर आती हूँ। यहाँ की आपकी सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? डोसा पिज्ज़ा कभी जो भी है, हाँ ट्राई करती रहती हूँ। मतलब आपको क्या लगता है यहाँ पे एक अलग कंफर्ट है खाने पीने में या क्या? नहीं नहीं, अलग कंफर्ट बहुत अच्छा है, बल्कि मैं कहूँगी कि लोग तो रेस्टोरेंट जाते रहते हैं, लेकिन एक बार प्लीज़ यहाँ पे भी आके एक बार प्रोवाइड करें और एक बार खा का खाना टेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे आपको जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे आपको कुछ पता नहीं चलेगा, तो देन एक बार आओ, और मैं सबको यही बोलूँगी कि एक बार आके टेस्ट करो, बहुत बेस्ट मिलेगा आपको। सर रेस्टोरेंट तो हर कोई जाएगा, बट यहाँ पे भी आके एक बार आपको वो करना चाहिए, विजिट करना चाहिए। खाने पीने के साथ यहाँ कुछ ना कुछ होता भी रहता है? हाँ, कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजर होते रहते हैं, कुछ ना कुछ फंक्शंस होते रहते हैं, तो उसमें एक्साइटमेंट भी आती है लोगों को देख के, जैसे अभी अभी हम ही हैं, तो हमें देख के भी लोग कुछ प्रोवाइड भी होंगे कि अरे भाई चलो ये भी निकले, तो कुछ चीज़ें क्या होती फेक होती हैं, बट नहीं ये चीज़ें हैं, हो रही हैं, रियल हैं, और हम लोगों को जीता भी है गिफ्ट, तो ऑब्वियसली बात है हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा।